हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रश्न शर्मा और आप देख रहे हैं टिनटिन फिल्म एडवेंचर्स का शो राजनीति कल्चर लाइव। डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होनी चाहिए और उतना ही इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रांग ऑपोजिशन। क्या हमारे देश में स्ट्रांग ऑपोजिशन है? इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर लेखक और राजनीतिक विश्लेषक श्री वेद माथुर जी। कांग्रेस को अपने संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे पर क्या बदलाव करना चाहिए? मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात से होता है कि हमारे देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जिनके लिए या तो राजनीति एक बिजनेस होता है या उन्होंने कोई ऐसा बिजनेस पकड़ रखा होता है जिससे राजनीति में से लाभ मिलता है। तो कांग्रेस को चाहिए, यदि वो अपने आप, अब उनको एक नए खून की ज़रूरत है, उनको एक पूरा का पूरा अपने आप को नया वो रूप देना पड़ेगा। और उसके लिए जो पुराने लोग हैं जिनके लिए राजनीति बिजनेस है, धंधा है, उनको हटाकर युवाओं को, प्रोफेशनल्स को आगे लाना होगा। और आज भी बहुत सारे युवा, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी में आके देश के लिए और समाज के लिए काम करना चाहेंगे, लेकिन होता क्या है, आज कांग्रेस उन लोगों को प्राथमिकता देगी जिनके पास जाति बल है, बाहुबल है या धन बल है। तो कांग्रेस यदि अपने आप को वापस से मजबूत करके उभरना चाहती है दोबारा नए रूप में, तो उनको चाहिए कि ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को लाए ना जिनके पास टैलेंट है। हो सकता है उसकी जाति के वोट ना हो सकता है उसके पास धन ना हो सकता है उसके पास बाहुबल ना हो, लेकिन यदि आप टैलेंटेड लोगों को आगे लाएंगे, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलोर से तेजस्वी सूर्या को इस बार सांसद बनाया। मेरे ख्याल से उनकी उम्र 29-30 साल होगी। तो इस तरह कई युवाओं को यदि मौका दिया जाता है तो वो आगे जाके पार्टी के लिए एक बहुत बड़े असेट सिद्ध होंगे। तो कांग्रेस को अपना जो ये संगठनात्मक ढांचा है, इसमें जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, सब जगह आमूलचूल बदलाव की ज़रूरत है। कांग्रेस के द्वारा शासित राज्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे आपने राज्यों की बात की तो मैं दो राज्यों का उदाहरण देना चाहूँगा। एक तो मैं आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की और वो बहुत पॉपुलर हैं। और यदि आज चुनाव हो तो जिस देश के अंदर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी खुद क्रिश्चियन है, इसके बावजूद वो सभी धर्मों के लोगों के वोट ले जाता है। तो उसका एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने परफॉर्म किया है। दूसरा उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का देना चाहूँगा, जो अपनी दृढ़ता, चट्टान जैसा व्यक्तित्व और त्वरित गति से निर्णय लेने की क्षमता के कारण उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। तो कांग्रेस के पास जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कुछ हद तक महाराष्ट्र भी उनके द्वारा शासित है, इन राज्यों में अपनी परफॉर्मेंस बनानी चाहिए। आज क्या हो रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो जाके बिजली के बिल माफ़ करने की बात कहती है या किसानों को राहत देने की बात करती है, बेरोजगारों को राहत देने की बात करती है, लेकिन वो जगन रेड्डी की तरह परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो मेरा सुझाव ये है कि कांग्रेस जिन राज्यों के अंदर काबिज है सत्ता में, वहाँ उसको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए ताकि एक उदाहरण बन सके, भाई वहाँ हमने अच्छा काम करके दिखाया। आज जैसे नरेंद्र मोदी यदि प्रधानमंत्री बने हैं तो वो गुजरात की अपनी और अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस के कारण प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हैं। तो कांग्रेस भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और आगे बढ़े। विशेष तौर पर रायबरेली और अमेठी, इन पर कांग्रेस की क्या संभावनाएँ और स्थिति है, ये बताइए। मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं देखता। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस या प्रियंका गांधी जो प्रयास कर रही हैं, एक फसल वो खड़ी कर रही हैं निश्चित रूप से, उस फसल को समाजवादी पार्टी काट लेगी। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले एक साल से उत्तर प्रदेश में घूमा हूँ, कई जगह पर वहाँ रह रहा हूँ, एक साल से स्थायी प्रवास मेरा वहाँ पर है। तो मैंने अनुभव किया है कि जो भी वो वोट बैंक खड़ा करेंगी, वो अंततोगत्वा वो लोग जो एंटी बीजेपी हैं और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं, वो भी मतदान के समय उस पार्टी को वोट देंगे जो मजबूत है, भाजपा के सामने सबसे मजबूत है। आज की तारीख में वहाँ पे बसपा भी कमज़ोर हुई है और कांग्रेस पहले से ही कमज़ोर है,
ऐसे में सारा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। वोटर है वो जानता है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे तो वोट हमारा खराब होगा। इसका एक और मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा, दिल्ली चुनाव के अंदर कांग्रेस का जो वोटर था उसको ये पता था कि यदि हमने कांग्रेस को वोट दिया तो हमारा वोट खराब होगा और भाजपा जीतेगी, इसलिए उन्होंने नहीं चाहते हुए भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया। दिल्ली के जो मुस्लिम समुदाय के मेरे भाई और बहन हैं उनकी पहली चॉइस निश्चित रूप से कांग्रेस है रही है, लेकिन उन्होंने सबने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो नतीजा आपके सामने कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस बिल्कुल आउट हो गई। तो मुझे उत्तर प्रदेश में जो कुछ प्रियंका जी कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आती, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं बहुत साल पहले जब राहुल गांधी जी अमेठी से सांसद थे उस समय मुझे एक मीटिंग में स्मृति ईरानी जी को सुनने का मौका मिला, और जब मैं बाहर आया तो मैंने कई लोगों को ये कहा कि इस बार अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी जीतेगी। तो लोगों ने कहा क्यों, इस आपकी इस बात का क्या आधार है? तो मैंने कहा मैंने स्मृति को जो देखा जिस तरीके से बोलते हुए और विचार करते हुए और डिस्कशन करते हुए, मैं कह सकता हूँ कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि वो आसानी से जीत जाएंगी, और यही हुआ। अब दूसरा मुद्दा आता है रायबरेली का। अमेठी में मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी को हराना राहुल गांधी जी के लिए अगली बार भी आसान होगा। दूसरी बात आती है रायबरेली की। देखिए, रायबरेली में क्या हुआ कि भाजपा ने एक बड़ा जोरदार काम किया, वो ये किया कि जो वहाँ कांग्रेस की विधायक है अदिति सिंह, जो विदेशों में पढ़ी हुई है और उनके जो पिता थे वो बहुत बड़े बाहुबली भी रहे हैं और बड़े लोकप्रिय नेता भी रहे हैं, उन्होंने अदिति सिंह ने, अभी भी अदिति सिंह कांग्रेस की विधायक हैं लेकिन वो भाजपा के लिए काम कर रही है, और ये 100% निश्चित है कि अगले चुनाव में चाहे सोनिया गांधी खड़ी हों वहाँ से या और कोई कांग्रेस से खड़ा हो, लेकिन बीजेपी के टिकट पर अदिति सिंह चुनाव लड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि अदिति सिंह ये चाहती थी कि उनको जेड सुरक्षा मिले, और उनको योगी सरकार ने रिकमेंड करके जेड सुरक्षा दिलवा दिए। अब वो चुनाव प्रचार कर रही है, अभी से ही उन्होंने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है, और उनको अच्छी तरह पता है अदिति सिंह को कि यदि वो सांसद बन के जाती है, वहाँ के लोग भी सोनिया जी चूँकि वहाँ नहीं जा पाती हैं तो कांग्रेस से के जो उदासीन और ठंडे रवैये से लोग भी परेशान हैं, तो वो अदिति सिंह को अच्छी तरह बात पता है कि यदि वो यहाँ से चुनाव जीतती हैं, जो बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, तो वो केंद्र में जाते ही मंत्री बन जाएंगी, इसलिए वो भी पूरे उत्साह से हर दिन का उपयोग कर रही है, जबकि कांग्रेस ऐसा कोई प्रयास अमेठी और वहाँ नहीं कर रही है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का प्लस भारतीय जनता पार्टी का जो रेडीमेड वोट बैंक है उसमें सैन लगाना कांग्रेस के बस की बात मुझे फिलहाल तो नहीं लगती है। कांग्रेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीति का एक छोटा मोटा विद्यार्थी हूँ और मैं जितने भी इसके पात्र हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। तो मैंने एक दिन में बैठा हुआ ये सोच रहा था कि जगन रेड्डी की जीत के पीछे क्या कारण है, किस तरह उन्होंने इतनी भारी जीत हासिल की। तो कई लोग ये कह सकते हैं कि उनके पिता मुख्यमंत्री थे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं उसे नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जगन रेड्डी जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने एक पद यात्रा की, उन्होंने पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं किया कि किसी महिला का बलात्कार हो गया या किसी की हत्या हो गई किसी दलित की तो उसके घर पहुंच गए, वहां जाके टेलीविज़न कैमरों के सामने स्टेटमेंट दे दिया, कुछ भी नहीं किया। वो शांतिपूर्वक पूरे राज्य की पदयात्रा करते रहे, जेन्युइन पदयात्रा करते रहे, लोगों से मिले, उनसे इंटरेक्शन किया, उनकी बात सुनी, अपनी बात उनको कही। तो जब वो चुनाव में उतरे तो जो उनका पदयात्रा का काम था वो उन्हें चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उन्होंने भी प्रशांत किशोर और कंसल्टेंट्स की सहायता ली, वो एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका एक ग्राउंड वर्क था पदयात्रा वाला, इसने बड़ा पे किया। तो मेरा ये कहना है कि ये जो छिछली राजनीति है कि किसी पीड़िता के यहाँ पहुँच गए, धक्का मुक्की हो रही है पुलिस के साथ, टीवी पे आ रहा है, आप ये दिखा रहे हैं कि दलितों के अधिकार के लिए आप ही लड़ रहे हैं, या किसी गरीब दलित महिला के यहाँ जाके आप उसके झोंपड़ी के अंदर रात बिता रहे हैं, इस नाटकबाजी में कुछ नहीं पड़ा। बिना लाइट्स, बिना कैमरा, बिना टेलीविज़न पत्रकारों के आप गाँव से गाँव घूमिए, आराम से वहाँ चौपालों पर बैठिए, जाइए, बड़े श्रम का काम है, मेहनत का काम है। यदि राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो लोग करना चाहते हैं उनको मौका देना चाहिए, और उनको पर्दे के पीछे से मार्गदर्शक मंडल में, जैसे बीजेपी में कुछ लोग हैं, उस तरह बैठ जाना चाहिए। तो ये जनता से जुड़ना और टेलीविज़न कैमरों के माध्यम से जुड़ना, इसमें बड़ा फ़र्क है।
आज मुझे ये लगता है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो ट्विटर और चैनल्स में जो इवेंट होते हैं, इसको मैं इवेंट ही कहूँगा, इनके माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रही है, उसके बजाय इनको एक्चुअल पदयात्राएं करनी चाहिए जिसमें कोई चैनल नहीं हो, कोई टीवी कैमरा ना हो, कोई पत्रकार ना हो। सेंटर में लोग कांग्रेस से ऊपर बीजेपी को क्यों देखते हैं? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने का एकमात्र कारण यह है कि लोग राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी को तुलना करके देखते हैं, पलड़े में तुलना करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि परिणाम क्या होगा, ये दोनों की तुलना होगी। और कभी भी विपक्ष ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी हमारे साझा उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के, लेकिन बीजेपी ने बड़ी चतुराई के साथ राहुल गांधी को एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कि वो विपक्ष के उम्मीदवार है। उनको और किसी ने नहीं किया, राहुल ने भी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ, ना ही किसी विपक्षी पार्टी ने कहा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की चतुराई है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव को एक प्रेसिडेंशियल चुनाव में बदल दिया और लोकसभा चुनाव के अंदर वो इस तरह का माहौल खड़ा कर देते हैं जैसे इसमें आपके सांसद का चुनाव नहीं है। आपका सांसद कोई कैसा भी आदमी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप यदि बीजेपी को वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस को वोट देंगे तो राहुल गांधी बनेंगे। तो ये कड़वा सत्य है कि राहुल गांधी के नाम पर प्रधानमंत्री के पद पर, भले वो किसी केरल के संसदीय क्षेत्र से सांसद बन जाए, लेकिन पूरा देश उनको वोट करके एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में वोट दे और उनको प्रधानमंत्री चुने, ये संभव नहीं है। और मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा और स्पष्ट करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में भले ही कहने को संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 दोनों चुनाव में इस चुनाव को संसदीय चुनाव के बजाय प्रेसिडेंशियल चुनाव में बदल दिया। और जैसा मैंने कहा कि सामने उन्होंने राहुल गांधी को घोषित कर दिया कि मेरा प्रतिद्वंदी है, मतलब अपनी च्वाइस का प्रतिद्वंदी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और चुनाव जीत लिया। माधव साहब, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस में युवा नेताओं की क्या स्थिति है? कांग्रेस के अंदर जितने भी प्रतिभाशाली युवा नेता थे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जतिन प्रसाद हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, राजस्थान में सचिन पायलट हैं, तो इनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया तो छोड़ के चले गए और बाकी भी कुंठित हैं, और वो भले ही कांग्रेस में है लेकिन वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का नुकसान ही कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनको उचित अवसर नहीं दिया जाता, और उचित अवसर उन्हें इसलिए नहीं दिया जाता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को ये लगता है कि हमने सचिन पायलट को ज़्यादा महत्व दे दिया तो किसी दिन वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी दावेदारी कर देंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये रहती है इनकी आलाकमान की कि दुकान भले ही कितनी भी घाटे में चले, लेकिन हमारे गले पे तो सेठ जी का लड़का ही बैठेगा। तो इस प्रवृत्ति या ये जो उन्होंने सोच रखा है, इसके कारण पार्टी का नुकसान हो रहा है। जो युवा नेता है, चाहे वो ज्योतिरादित्य हो, सिंधिया हो या मिलिंद देवड़ा हो, उन लोगों को आगे लाना चाहिए, और यदि आप उनको आगे लाते हैं तो दूसरा जो युवा वर्ग है वो भी पार्टी की ओर आकर्षित होगा। आप पिछला विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में लड़ा गया उसके अंदर बहुत सारा हमारा युवा वर्ग ऐसा था जो सचिन पायलट के चेहरे को देख के जिसने कांग्रेस को वोट दिया कि भाई एक युवा मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, तो इसलिए उन्होंने वोट दिया। उसमें आकर्षण था सचिन पायलट में उस समय। तो इस तरह की जो व्यक्तित्व है, इनको बजाय दबाने के इनको उभारना चाहिए और युवाओं को पूरा मौका देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।